दोस्तों, हमारे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम शिव खेरा जी द्वारा लिखी गई पुस्तक यू कैन विन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पुस्तक में बताए गए सभी चैप्टर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु हम यहाँ इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अध्याय का सारांश प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, नजरिया का महत्व इस पुस्तक का पहला अध्याय है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने नजरिया को बदल के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेखक ने नजरिया के महत्व को एक कहानी द्वारा समझाने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार है। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके पास लाल, पीले, नील, हरे सभी रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता था। बच्चे उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने को आतुर हो उठते। वे उनके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वह उसे बढ़ाने के लिए हर बार यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उनसे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़े, वो गुब्बारा कैसे उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुंह करके उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर भरी चीज से उड़ता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। इसमें अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से ही हमारा नजरिया बनता है, वही हमें ऊपर उठाता है। सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें? लेखक ने इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताए हैं, जिन्हें अपनाकर हम एक सकारात्मक नजरिया विकसित कर सकते हैं। अपनी सोच को बदले और अच्छाई खोजे। हर काम फौरन करने की आदत डालें। एहसान मानने का नजरिया बनाएं। लगातार ज्ञान हासिल करने की योजना बनाएं। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। नकारात्मक सोच से बचें। जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करें। हमें कौन सी चीजें पीछे धकेल रही है? लेखक ने इस अध्याय में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई है जो हमें पीछे धकेल रही है। खतरे उठाने से बचना, लगातार कोशिश की कमी, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह, प्राथमिकताएं तय न करना, शॉर्टकट रास्ते खोजना, कुदरत के नियमों का न समझना, बहाने बनाना, ज्ञान की कमी और भाग्यवादी नजरिया। हर इंसान एक अच्छी शख्सियत कैसे बन सकता है? इस पुस्तक में ऐसे 25 तरीके लेखक ने बताए हैं, जिनकी सहायता से हम एक अच्छा आदमी बन सकते हैं। उनमें से कुछ तरीके हैं। अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। सबकी जीत के बारे में सोचें। अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। आलोचना और शिकायत न करें। अच्छे श्रोता बनें। ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें। इस पुस्तक में लेखक शिव खेरा जी ने हर व्यक्ति को लक्ष्य बनाने की सलाह दी है। उन्होंने बताया है कि बिना लक्ष्य के कभी कोई इंसान सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। लेखक ने लक्ष्यों को सोचने, उसे लिखने और बार बार दोहराने का सुझाव दिया है। उन्होंने स्मार्ट लक्ष्य बनाने पर जोर दिया है। एस स्पेसिफिक यानी कि स्पष्ट, एम मेजरेबल यानी कि मापा जा सके, ई अचीवेबल यानी कि हासिल करने वाला, आर रियलिस्टिक यानी कि वास्तविक, टी टाइम बाउंड यानी कि समयबद्ध। दोस्तों, यू कैन विन एक ऐसी सेल्फ हेल्प बुक है जो हमें एक सही और सकारात्मक नजरिया विकसित करने में हमारी मदद करती है। ये पुस्तक हमें एक खुशहाल और अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी औजारों के बारे में बताती है। इस पुस्तक में सपने देखने से लेकर उसे पूरा करने तक के ऐसे कारगर तरीके बताए गए हैं जो काफी असरकारक है। लेखक ने इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय को कहानियों के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि कैसे कोई अपने नजरिया को बदलकर एक सकारात्मक नजरिया विकसित कर सकता है, कैसे कोई अपने लक्ष्य निर्धारित कर एक सफल और खुशहाल जिंदगी जी सकता है। क्योंकि हमारी लाइफ पर सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे नजरिया का ही होता है।
जैसा हमारा नजरिया होता है वैसे ही हमारी जिंदगी का निर्माण होता है। अतएव पुस्तक से हम एक सकारात्मक नजरिया विकसित कर एक सफल इंसान बन सकते हैं। यू कैन विन में प्रत्येक अध्याय को जिस तरह से कहानियों के माध्यम से लेखक ने समझाने का प्रयास किया है वह बहुत ही शानदार है। इस पुस्तक में बताए गए तरीकों को हमने भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है जिसका काफी ज्यादा सकारात्मक असर हमें देखने को मिला है। हम अपने दोस्तों को यही सलाह देंगे कि यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और एक सफल और खुशहाल जीवन चाहते हैं तो आपको ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या राय है हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।